तो कुछ दिन पहले इंटरनेशनल बर्गर डे था, तो मैंने सोचा कि यार बर्गर का तो कोई दिन नहीं होता, जब मन करे तब खा लो। तो मेरा मन किया आज बर्गर खाने का, तो मेरा बर्गर डे आज, तो चलो बनाते हैं चिकन बर्गर। तो चिकन पैटी बनाने के लिए हमें चाहिए मिन्स चिकन या चिकन कीमा, ये ले लेते हैं। अब इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी। बर्गर देसी है तो इंडियन मसाले तो जाएंगे ही। थोड़ा सा नमक और एक स्पेशल वो है शुगर। शुगर क्यों? ताकि कैरमलाइजेशन अच्छा आए और रंग अच्छा हो। अब इसको मिला देते हैं पहले मसाले। मसाले एक बार अच्छे से मिल जाए तो फिर कुछ और चीजें डालनी पड़ेंगी, तो मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं। कर तो आप स्पून से भी सकते हो, लेकिन हाथ में करने का जो मजा है वो स्पून से पता नहीं चलेगा, और खाने की कंसिस्टेंसी जो है, हाथ की जो फीलिंग देती है, वो स्पून आपको बताएगा नहीं। अब ये जब मसाला एक बार मिल गया तो इसमें कुछ और चीज़ें जाएंगी। अब वो चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब इसमें जाएगा ऑब्वियसली गरम मसाला और थोड़ा सा चिकन मसाला, ऑप्शनल है लेकिन डालने से अच्छा लगता है। और इसको एक बार फिर से मिला देते हैं ताकि मसाले जो है चिकन के साथ अच्छे से मिल जाए और हर बाइट में इक्वल मजा आए। अब इसमें डालते हैं एग, जो काम करेगा बाइंडिंग एजेंट का। इसमें एक और बाइंडिंग एजेंट भी जाएगा, क्योंकि ये चिकन है, लीन फैट है, तो इसमें फैट कंटेंट थोड़ा कम रहता है। अगर यही चीज़ आप मटन बर्गर बनाओ तो आपको शायद ऐड नहीं करना पड़े। और इसमें बिकॉज मेयो भी बनाना है तो मैंने सोचा एक एग योक चाहिए, तो उसका वाइट भी यही डाल देते हैं। अब क्या करना है, अब इसको मिलाना है, लेकिन उसमें एक और फैट जाएगा, वो है चीज। थोड़ा सा और चीज लगेगा, वो भी डाल देते हैं, क्योंकि एडिशनल फैट चाहिए जो आपके चिकन में है नहीं। ऑन एवरेज अगर मानो या जनरल रूल मानो तो 80-20 होना चाहिए, फैट 20 और बाकी 80। अब चिकन में 20 फैट तो होता नहीं है, तो चीज़ है यही सबसे कराना पड़ेगा। अब जब आप देख रहे हो कि ये पैटी की कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विडी है, तो अब इसमें क्या डाला जाए? अब इसमें डाला जाएगा ब्रेड क्रम्स, ये है मैजिक इंग्रेडिएंट। ब्रेड क्रम्स डालो और ये फटाफट ड्राई हो जाएगा। मैदा वैदा भी डाल सकते हो, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, राइस फ्लोर भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम पड़ा हुआ है तो मैं सोचा उसी को यूज़ कर लिया जाए। अब जब ये ब्रेड क्रम अच्छे से मिल गए हैं तो अब देखो कंसिस्टेंसी सही हो गई है, थोड़ा सा ड्राई है। चिंता मत करो, जब फ्राई होगा तब ड्राई नहीं होगा, अंदर चीज़ है, मॉइस्चर मिल जाएगा। अभी ये देखो शेप ले रहा है, तो बस यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी पैटी के लिए। तो अब पैटी का काम हो गया, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि मेयो कैसे बनाया जाए। पहली बार बना रहा हूँ, बन जाएगा। पहले एक एग योक, उसमें डालते हैं थोड़ा नींबू, नींबू करता है स्टेबलाइज। और अब क्या चाहिए? तेल। हाथ से भी बन सकता है, लेकिन एज यू नो आसान तरीका है तो फिर मेहनत क्यों करें। तो पहले चाहिए अपना बीटर, बीटर आया यहाँ, एक तेल।
मेयो तो बन गया, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी है। थोड़ी सी सीजनिंग, सीजनिंग में डालते हैं थोड़ा सा पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, और बहुत ज़रूरी चीज़ एक थोड़ा सा केचप। अगर मैगी का सॉस खाया तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, हाँ 100% नहीं है, लेकिन सिर्फ केचप और मेयो मिला के अगर 80% भी मैं पहुँच गया तो क्या बुरी बात है। कलर से लग रहा है ना मिट्टी के सॉस के कलर का, टेस्ट भी वैसा ही है। चल ये भी हो गया। तो पैटी कैसे बनाया जाए, तो पैटी के लिए पैन में डालिए थोड़ा सा तेल, 2 टीस्पून के लगभग, इसको कर लेते हैं थोड़ा गरम और चारों तरफ फैला लेते हैं। अब पैटी बनाते हैं। थोड़ा सा ऐसे हाथ में ले लीजिए और फिर थोड़ा फ्लैट आउट कर लीजिए, और ये पैटी बन गया। उसको ले जाके हल्का सा तेल में लगा दो। इसमें 2 और आ जाएंगी, चलो 2 और बना के डाल लेते हैं। ये आ गई हमारी दूसरी पैटी, और एक और डाल देते हैं, जगह तो है। अगर कॉन्फिडेंट ना लगे तो एक एक बनाओ, क्या जल्दी है, कहाँ बाहर जाना है, लॉकडाउन है, अच्छा खाना बनाओ, घर पे रहो। और ये तीसरी, ये कर देते हैं फ्लिप। देखा चीनी का कमाल कैसे कैरमलाइजेशन हो रहा है, चीनी बस इसीलिए डाली जाती है, मिठास के लिए नहीं। और इसको देते हैं 2 से 3 मिनट, चिकन है जल्दी पक जाता है, मटन होता थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता। फ्लेम लो रखना ताकि अंदर तक पक जाए, तो मतलब ये जनरल बेसिक आइडिया है कि अगर कुछ अंदर तक पकाना है तो फ्लेम लो, और किसी का सिर्फ आउटर क्रस्ट करना है तो फ्लेम हाई, ताकि अंदर, जैसे अगर चीज़ बॉल्स बना रहे हो तो फ्लेम हाई। चीज़ बॉल्स बनाना नहीं पता, रेसिपी देखी क्या नहीं। हमारी पहली पैटी थी, उसका निकालने का टाइम आ गया, उसको बस निकाल देते हैं और रख देते हैं एक पेपर टॉवल पे, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। अब ये दूसरी और ये तीसरी वाली, इनको दे देते हैं 1-1 मिनट और फिर उसको भी निकाल देंगे। ये आती है हमारी तीसरी पैटी बाहर, तो ये हो गई। अब क्या करना है, अब जो ये चिकन वाला तेल है इसका करते हैं सही इस्तेमाल। वो कैसे, अब इसमें करेंगे हम अपने प्याज कैरमलाइज। पहले भी कर सकते थे लेकिन फिर चिकन वाला तेल का मज़ा कहाँ से आता, तो अभी इसको प्याज को करने हैं कैरमलाइज। कोई बात नहीं, बस थोड़ा फ्लेवर के लिए चाहिए, अगर उतना तेल नहीं बचा है तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। बस प्याज कैरमलाइज हो जाए, कैरमलाइज अनियन का बर्गर में मज़ा ही अलग है। अब बात आती है बर्गर फिलिंग की, तो क्या क्या फिल किया जा सकता है कैरमलाइज अनियन से। खीरा को विनेगर और चीनी में थोड़े देर डुबा के रख लो, उसको डाल सकते हो, वो भी मज़ा आता है। बाकी वो भी मैं किसी और बर्गर रेसिपी में दिखाई दूंगा।
क्योंकि बर्गर तो काफ़ी कुछ बनता ही रहता है घर पे, कभी ये बन गया कभी वो बन गया, आज जैसे देसी स्टाइल देख रहे हो कभी आपको विदेशी स्टाइल भी दिखाई देंगे। ने कैरमलाइज अनियन सेम थिंग, अगर ज़्यादा कलर चाहिए थोड़ा सा शुगर ऐड कर लो, हेल्प्स इन कैरमलाइजेशन। अब इसको कर लेते हैं थोड़ी सी सीजनिंग सॉल्ट के साथ, बस ये लास्ट में करना नहीं तो प्याज पानी छोड़ देगा, वो चाहिए नहीं अभी। ठीक है ये हो गया, अब इसको निकाल लेते हैं अपने बोर्ड पे। बर्गर का दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट बर्गर बन, घर में बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं, ये घर पे बना है बिल्कुल नहीं बना है, ये ख़रीदा हुआ है। ठीक है इसको करना है कट, क्यों मतलब डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे अपने बर्गर बनना थोड़े टोस्टेड अच्छे लगते हैं। अब टोस्ट कैसे किया जाए, तो ये लेने का थोड़ा सा बटर और अंदर हल्का सा लगा लेना, फिर दूसरे वाले पे भी यही। ठीक है और इसको कर देंगे टोस्ट, अगर इतना टोस्ट किया मैकडी जैसे तो ऊपर का बन बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन मुझे अपने बन ना दोनों साइड के टोस्टेड अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा यहाँ पे भी लगा लेते हैं और इसको यहाँ रखते हैं और इसके इधर भी, तो अब हो जाएगा डबल साइडेड टोस्टेड बन और आएगा मज़ा। बन लो लगाओ और घुमा दो, जो अच्छे सारे जूसेस थे वो भी चले गए बर्गर में और आपका पैन भी साफ हो गया। बड़ी फर्गीवन डिश है, पैटी ज़्यादा पक गई तो सॉस ज़्यादा डाल दो मॉइस्चर आ जाएगा, बाकी फिर परमिटेशन कॉम्बिनेशन तो कर ही सकते हो, कभी पिकल डाल दिया कभी फ्राइड अनियन डाल दिए। ये हो गए 2 मिनट, ये हो गए आपके टोस्टेड बन तैयार। अब क्या करना है, बस असेंबल और उसके बाद खा लो। और ये हो गए बन भी तैयार। तो बर्गर असेंबल कैसे करना है, ये रहा मेयो बनाया था याद है ना, मेयो डालो एक अच्छे से, उसको करो स्प्रेड अपने दोनों साइड के बन पे। ठीक है हो गया, अब जाएगा एक पैटी। ठीक है फिर डालो 3 टमाटर, थोड़ा सा फ्राइड अनियंस। ठीक है अब देसी बर्गर है तो मैंने लेटिस नहीं डाला, डाल सकते हो मैंने बोला ही था बर्गर बहुत फर्क ही होंगे जो कुछ कॉम्बिनेशन डालना चाहो। और ये दूसरा पीस ऊपर और ये बन गया आपका बर्गर तैयार। फॉर मोर रेसिपीज लाइक दिस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।